राधा रानी खींच ली, खींचने के कारण राजा का नाम हो गया हरा और हरा के संबोधन में रूप बन गया हरि। इसलिए आचार्य चरण कहते जस्या सासु हरे तिचा हरे हो। और फिर आगत्य दुख हरता जो सर्वेशाम ब्रजवासिना, जिन्होंने मथुरा द्वारिका से आकर के ब्रजवासियों के समस्त दुख को हरण के, भागवत में नहीं था लेकिन अन्य पुराणों में लिखा गया है कि भगवान द्वारिका से वृंदावन आए, भागवत में तो है क्योंकि भागवत समाधिस्थ ग्रंथ है, इसमें क्रम भी नहीं है। भागवत किसी लीला को अपहरण किया गया किसी को ऐसे, किसी को क्रम बद्ध यदि भागवत को सुनना है तो गोपाल चंपू पढ़ना पड़ेगा। जीव गोस्वामी पाद ने बिल्कुल क्रमबद्ध से लीला लिखी और भागवत में तो समाधिस्थ ग्रंथ है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए मथुरा गए, द्वारिका गए, और वैसे श्री कृष्ण का भी चिंतन, श्री राधा रानी का गुण श्री कृष्ण को खींच लाए, वैसे बड़ा भगवान को राधा रानी का गुण खींच लाए। और श्री कृष्ण को हरण करने के कारण राधिका को ही हरा कहा गया। तदा गम रह क्रामो जस्या सासु हरि, अर्थात भगवान मथुरा में है, द्वारिका में है, लेकिन उनका मन राधा रानी का है, राधा रानी उनके मन को हरण करती हैं, इसीलिए राधा रानी का क्या नाम हो गया हरा, और हरा शब्द के संबोधन में हरे। ये देखिए श्री कृष्ण की ऐश्वर्यमयी हरे कृष्ण महामंत्र का व्याख्या। अब महामंत्र का व्याख्या करते हैं माधुर्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए ये महामंत्र का व्याख्या करते हैं, पुनः महामंत्र की व्याख्या क्रम दीपिका में लिखते हैं। भगवान कहते हैं कि चंद्र के प्रति श्री कृष्ण का वाक्य, चंद्रमा के प्रति श्री कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं मम नाम सते नैव राधा नाम सदुत्तमा जह स्मर तु सदा राधा न जाने तस्य किंवा। भगवान के सौ नाम से भी श्रेष्ठ राधा रानी का एक नाम, मम नाम सते नैव राधा नाम सदुत्तमा। आज जो हमेशा राधा 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 कहते रहते हैं, जह स्मर तु सदा राधा न जाने तस्य किंवा, जिन भगवान जब हार मान जाते हैं, सब पुण्य का लेखा जोखा भगवान के पास है, किस पुण्य का फल कितना है, लेकिन भगवान कहते हैं राधा नाम रटने वालों को कितना पुण्य मिलता है हमको पता नहीं, न जाने तस्य किंवा, ये भगवान के बस की बात नहीं है कोई बताए। अब देखिए हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी का नाम, देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी भी अर्थ किए हैं और गोपाल गुरु अर्थ। अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी तो महामंत्र में केवल राधा पर अर्थ किए हैं बस, और दूसरे का कुछ अर्थ, माने जो जैसा साधक है वैसे साधक के लिए वैसे संपत्ति दी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण में सब रस का समावेश है, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, वैसे महामंत्र में भी सबका धंधा है। और मधुर रस के साधक जो महामंत्र का जप करते हैं वो किस भाव से जपे उसके लिए वर्णन करते हैं। हरे, हरे का अर्थ होता है कृष्णस्य मन हरति हरा राधा तस्य संबोधने हरि। अब यहीं से प्रारंभ, श्री कृष्ण के मन को हरण करने के कारण राधा को ही हरा कहा गया है और हरा के संबोधन में हरे रूप है, हरे माने राधा, हरे कौन राधा कौन हरे, जो श्री कृष्ण के चित्त को हरण की उसका नाम हरा। फिर कृष्ण, अब कृष्ण का अर्थ होता है राधाया मन कर सती थी कृष्ण तस्य संबोधने हे कृष्ण। राधा रानी का कृष्ण का मन हरण करने के कारण हरा हो गए और राधा या मन कर सती, ये भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं तो राधा रानी के मन को कर्षण करते, तो कर्षण करने के कारण इनका नाम कृष्ण हो गया, संबोधन में कृष्ण हरे कृष्ण एक कृष्ण बन गया।
हरे कृष्ण। अब देखिए कृष्ण ने राधा के चित्त को हरण किया और राधा ने कृष्ण के चित्त को हरण, अब दोनों हरे कृष्ण हो गए। अब हरे का राधा रानी जब बरसाना को छोड़ करके कृष्ण के पास आई तो राधा रानी को थोड़ा लज्जा आया, धैर्य इत्यादि, तो श्री कृष्ण को भी लज्जा आई, तो राधा रानी ने सबसे पहले कृष्ण के कृष्णस्य लोक लज्जा धैर्यादि सर्वम हरति हरा राधा तस्य संबोधने हे हरि। राधा रानी ने श्री कृष्ण के लोक लज्जा और धैर्य आदि का हरण की, इसीलिए यहाँ पर राधा रानी को हरा कहा गया, हरे कृष्णा हरे हो गया ना। और फिर कृष्ण का अर्थ ये दोनों एक ही है, एक काम कर रहे हैं राधा रानी, एक काम कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा या लोक लज्जा धैर्य आदि सर्व हरती कर सती थी कृष्णा, कृष्ण भगवान भी राधा रानी के लोक लज्जा धैर्य इत्यादि को हरण करते हैं, मिलने में जो हरण करते हैं उसका नाम हो गया कृष्ण, तस्य संबोधने हे कृष्ण। अब हरे कृष्णा कृष्ण का अर्थ, राधा रानी निकल आए। देखिए हम लोग अपने मन को ले जाएंगे बरसाना और नंदना और बीच में संकेत है और प्रेम सरोवर है ना, तो यही ये संभावना चल रहा है, यहाँ पर ले जाएंगे मन। कृष्ण ने चित्त को खींचा राधा रानी को, बरसाना से थोड़ा घसक कर राधा रानी प्रेम सरोवर है और श्याम सुंदर आए संकेत की तरह, मिलने में थोड़ा धैर्य लज्जा इत्यादि आया, तो दोनों एक दूसरों के लोक लज्जा धैर्य इत्यादि को हरण कर। अब कृष्ण का अर्थ होता है जत्र जत्र राधा तिष्ठति गच्छति वा तत्र तत्र पश्यति कृष्णो माम स्पृशति। राधा रानी को खींच करके भगवान श्याम सुंदर अपने रूप गुण सौंदर्य के द्वारा ला दिए, तो राधा रानी जहाँ जहाँ बैठती हैं जहाँ जहाँ चलती हैं वहाँ वहाँ देखती हैं कि कृष्ण हमको स्पर्श कर रहे हैं। बलात् कंचुकियादिकं सर्वं हरति इति कृष्णः तस्य संबोधने हरि। और जबरदस्ती भगवान श्याम सुंदर प्रिया जी को स्पर्श करते हैं, कंचुकी इत्यादि का स्पर्श करते हैं, इसीलिए हरण करने के कारण हरतीति कृष्ण तस्य संबोधने हे कृष्ण, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ गया। इसके बाद कृष्ण 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 का पुनः हर्षताम गमयत, प्रिया जी थोड़ा हर्ष के कारण थोड़ा सा गमन चल कर सती थी, वनम कर सती वन की ओर आकर्षण की, इसलिए इनका नाम पड़ गया कृष्ण अतस्य संबोधने हे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हो गया ना। अब हरे का अर्थ करते हैं अर्थात अब प्रियालाल दोनों का मिलन हो गया, कहाँ पर मिलन हो गया संकेत में, प्रेम सरोवर से प्रिया जी थोड़ा गई और नंद गांव से यहाँ प्यारे श्याम सुंदर है संकेत में आए। संकेत आप लोग आए हैं, कितने लोग आए, दो तीन आदमी बस, सब गया है ना, आप नहीं गए, तुम पता नहीं। हरे कृष्ण देखिए अब हम संकेत हम लोग पहुंच गए। अब हरे का अर्थ होता है जत्र कृष्ण गच्छति तिष्ठति वा तत्र तत्र पश्यति राधा मम अग्रे पार्श्वे सर्वत्र तिष्ठति विहरति इति हरा राधा तस्य संबोधने हे हरि। और जहां जहां कृष्ण जाते हैं बैठते हैं वहां देखते हैं कि राधा मेरे आगे पीछे, मेरे नयनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, मेरे आगे राधा, मेरे पीछे सर्वत्र, और राधा रानी चारों तरफ देख रहे, इसीलिए विहरति इति हरा राधा तस्य संबोधने हे हरि। राधा रानी के कृष्ण के आगे पीछे सर्वत्र प्रिया जी घूम, इसलिए इनका नाम हरा हो गया और हरा के संबोधन में हरे। अब पुनस्तम कृष्णम हरति, फिर श्री कृष्ण को हरण कर लेती है राधा और हरण करके संकेत में ले जाते, संकेत के बल स्व स्थानम अभिसारयति अपने स्थान पर अभिसारण करते हैं हरा तस्य संबोधने हे हरि। अब देखिए प्रियालाल का मिलन हो गया वन में, संकेत उनकेत कोई गांव हो नहीं है, फिर पूरा लीला स्थल है,
और देखिए अब हरे राम का अर्थ हो जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हो गया। जपते समय यह स्मरण यही करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इतना तक पहुंच गया हरे राम का अर्थ। हरे कृष्णम बलम हरती, कृष्ण को राधा रानी बन की तरफ हरण कर ली, बनम आगम्य हरा राधा तस्या संबोधन हरे, कृष्ण को राधा रानी बन मिला। अब राम का अर्थ बन मिला दी तो क्या की तो रमयती ता, राधा रानी श्री कृष्ण के साथ रमण करने लगी। कैसे रमण कर रही है तो नर्म निरीक्षणादि नेति राम तस्य संबोधने हे राम, श्री कृष्ण राधा रानी के साथ हास परिहास दर्शन इत्यादि के द्वारा रमण कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कृष्ण का ही नाम राम पड़ गया, राम के संबोधन में हे राम हरे राम। फिर जब प्रियालाल एक साथ मिलन होता है तो उसमें हरे का अर्थ कहते तत्कालिक धैर्य अवलंबन इत्यादि को हरण की हरण करने के कारण हरा हो गया, हरा के संबोधन में हरे हो गया, हरे राम हरे हरे राम हरे। फिर राम राम का फिर अर्थ करते हैं चुंबन अस्तन आकर्षण आलिंगनाद ही रमते की राम तस्य संबोधने राम, और श्री कृष्ण चुंबन अस्तन आकर्षण आलिंगन आदि के द्वारा राधिका के साथ रमण करते हैं, प्रेरणा करते हैं, अतः वे ही राम नाम से कहे जाते हैं जिसके संबोधन में राम बनता है, हरे राम और फिर राम का अर्थ करते हैं। पुनस्ताम पुरुषोचिताम कृत्वा, अब देखिए निकुंज में जाने के बाद राधा रानी स्त्री नहीं है ये समझ जाए और कृष्ण पुरुष नहीं, अब यहाँ पर कहते हैं खबरदार राधा रानी स्त्री नहीं, ना सो रमन ना हम रमनी, न कृष्ण स्त्री है न कृष्ण पुरुष है न राधा स्त्री है, ना तो रमण ना हम रमण, दोनों क्या है एक ही तक। तो पुनस्ताम पुरुषोत्ताम कृतवा, अपने कुंज में राधा रानी क्या हो गई पुरुषोत्ताम कृतवा रमयती राम तस्य संबोधने हेरा, ये राधा और कृष्ण ऐसे एक नाल में दो फूल खिल गया, एक नील और एक पीला, एक ही नाल है कमल का नाल देखें उसमें दो फूल खिल गया, एक फूल का नाम हो गया नील कमल और एक का नाम हो गया पीत कमल, वही श्री कृष्ण। ये राधा रानी स्त्री पुरुष नहीं है, ऐसा मत समझना कि राधा रानी स्त्री है कृष्ण पुरुष है। तो कहते हैं पुनस्ताम पुरुषोचिताम कृत्वा, प्रिया जी पुरुषोचित हो गए और रमती और रमण करने लगे प्यारे श्याम सुंदर के साथ, इसलिए राधिका को पुरुषाकार बनाकर पुरुष हो गए थे, उसी भाव से रमण करने के कारण यहाँ राम नाम से कहे जाते हैं, हरे राम राम फिर अब राम का पुनस्तत रमते इति राम तस्य संबोधने हे राम, बार बार वही विपरीत रति के द्वारा जो रमण करते हैं उनको राम कहते, पद है ना कैसे राजमानंद जी का पद है, पहले ही राग नयन भंग भेल अनुदिन बाढ़ल अवधि न गेल, ना सो रमन ना रमनी दुहुमन मनोभव पेशल जानी, दोनों राधा रानी राधा है कि कृष्ण है कि राधा है, नील है कि पीत है, पीत है कि नील है, ये भ्रम नष्ट हो, एक ज्योतिर्भवित वेदा राधा माधव योग बस। अब राजा ये हम लोगों के चित्त को आकृष्ट करने के लिए एक ही ब्रह्म दो रूप का धारण कर लिया, एक बन गया है कृष्ण एक बन गया है, हम लोगों का ऐसे मन नहीं लगे तो हम लोग मन को फंसाने के लिए लोग सोचते हैं कि खिलवाड़ है, खिलवाड़ नहीं है, ये तो ब्रह्म का आनंद चिन्मय ब्रह्म का आनंद साक्षात ब्रह्म सारा ब्रह्म
जगत ही आनंद स्वरूप ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म जगत के चित्त को खींचने के लिए राधा कृष्ण बन गया, वही राधा वही कृष्ण वही कृष्ण वही राधा। तो पुनस्तत्र रमते इति राम, बार बार उसी रस में जो रमण करे उसको कहते हैं राम। इसके संबोधन में राम शब्द बनता है, तो हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 राम। अब हरे हरे का अर्थ करते हैं, हरे हरे का पुनः रास आते, रास कहाँ चल रहा है संकेत, रास कहाँ चल रहा है संकेत में, रास हस्ते देखे हैं ठीक है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन पुटी है उसके ठीक सामने क्या है रास हस्ते, तो प्रथम रास वही हुआ मिलन, प्रथम समागम लज्जित या प्रतुचाग शतई अनुकूल गीत गोविंद का है वो, तो प्रथम समागम वही प्रथम मिलन। तो पुनः रासांते कृष्णस्य मनोह हृत्वा गच्छतीति हरा तस्य संबोधने, रास के अंत में रासांते कृष्णस्य मनोहृत्वा, श्री कृष्ण के मन को हरण करके राधारानी बरसाने चली गई, मन को हरण करके गच्छति इति हरा राधा तस्य संबोधने, और फिर अब अंतिम रात हरे है, तो अंतिम हरे क्या है तो राधा या मनोहृत्वा, राधा रानी के मन को हरण करके गच्छति, भगवान कहाँ चले गए नंदगांव, तो राधा रानी के मन को हरण करके श्री कृष्ण नंदगांव चले गए और कृष्ण के मन को हरण करके राधा रानी बरसाना चली। अब हरे का अर्थ एक हरे का अर्थ राधा और एक हरे का राधा, एक हरे का अर्थ कृष्ण। अब ऐसे जप करना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब लीला चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यही लीला, हरे राधा रानी कृष्ण के चित्त को हरण कर, कृष्णा राधा रानी के चित्त को कर्षण कर, हरे कृष्णा यही लीला स्मर और गाओ कृष्ण, अरे ऐसे तो भजन करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे। और लीला चिंतन कहीं आकाश से नहीं लाता, बस नाम भजो नाम चिंतन नाम करो सार, नाम हो के सर्व सिद्धि हो के सवार। अब देखिए हरे कृष्ण महामंत्र में जो प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है, ये तो अभी छोड़ा है, इससे भी डीप है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, राधा रघुनाथ दास गोस्वामी जो अर्थ किए एक तरफा दो तरफा नहीं एक तरफ मंजरी बाबा प्रिया जी का केवल बिहार देख रहे हैं पूरा महा, तो जितना उत्कृष्ट साधक है भगवान नाम में ही सब लीला हो जाता है। जैसे श्री राजीव गोस्वामी पाद जन्माद्य श्लोक में पूरा भागवत का जितना पूरा जितना कृष्ण लीला है एक ही स्तर, उसी तरह महामंत्र में ही सब कुछ है, महामंत्र में ही गीत गोविंद है, विद्यापति जी हैं, चंडीदास जी हैं, श्रीमद् भागवत है, यार वेद की उपनिषद है, ऋचाएं हैं, और कहाँ इधर उधर भटके सारा संसार। जैसे प्रिया जी के एक नख ज्योति से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलता है, सृष्टि होता है, पालन होता है, अंत में संहार हो जाता है, महाविष्णु कारणोदक शायद विष्णु सब लय को प्राप्त हो जाते हैं, और कितना समय लगता है तो केवल प्रिया जी की एक निपुण ध्वनि, केवल इतना में सब कुछ हो जाता है, उसी तरह केवल महामंत्र में संपूर्ण लीला। इसलिए महामंत्र महात्मा जो लोग रहते हैं, अब आप ही बताइए एक आसन से बैठ करके बारह बारह वर्ष तक एक गुफा में रह रहे हैं, उसमें तो कुछ ताकत है तब तो, केवल महामंत्र का अवलंबन और किसी ग्रंथ का अवलंबन न किसी चीज का अवलंबन, केवल महामंत्र का अवलंबन। जैसे हमारे पंडित बाबा जी राघव गुफा में बारह कितने वर्ष रहे, बारह न एक पुस्तक रखे न कुछ, केवल माला छोड़े, केवल गुफा से एक बार निकलते थे मधुकरी लाते थे, और कभी कभी तो एक दिन ही इतना दिन का मधुकरी ला कर रख देते और इसी रस में
किस रस में रहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसी में। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसी रस का स्वाद यहाँ पर कर रहे हैं, जिस रस को हम लोग अभी श्रवण किए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या स्मरण कर रहे हैं, जप रहे हैं हरे कृष्ण और स्मरण क्या कर रहे हैं? अभिवत रसव त्यासिद्धये माधवस्य, अभिवत रसव त्यासिद्धये माधवस्य, ब्रजपतिपुर मोद्यत रोम रोमा ब्रजन्ति। हे स्वामिनी जी, हे क्वचित माधवस्य श्री कृष्णस्य रसवत्या, कभी अब प्यारे श्याम सुंदर को भोजन बनाने के लिए बड़ा तीव्र गति से जब चलती हैं, रसवत्या सिद्ध है, रंधन करने के लिए जब जाती हैं, कहाँ जाती हैं? ब्रजपतिपुर। ब्रजपति का पुर कहाँ है? नंदगांव। ब्रजपति नंद बाबा, उनका पुर नंदगांव। गच्छति सती, जब आप चलती हैं तो उस समय आपके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम उभरता है कि मैं प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करूंगी, अपने हाथ से उनको भोजन बनाऊंगी, खिलाऊंगी, यह सोच करके उदंतक स्वांत सौके न उद्यत रोम रोमा। केवल सोचने मात्र से ही आपके प्रत्येक अंग का रोमावली खड़ा हो जाता, और खड़ा होने के बाद आप स्खलित गति, आप लड़खड़ाने लगते। उस समय तुलसी मंदिर प्रिया जी के कमर को पकड़ कहीं गिर न जाए, कितनी बड़ी स्खलित गति। तुम किम नैना ध्यान लग्न से, क्या मैं अपने इसी नेत्र से देखूंगी कि आप प्यारे श्याम सुंदर का चिंतन करके आपका शरीर कांपने लगा, रुमावली हो गया, कंठ गदगद हो गया, उस रूप का क्या मैं दर्शन कर पाऊंगी? इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते समय क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। गीत गोविंद नहीं है ना? हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण गीत गोविंद है किसी बात, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आवासो विपिनायते प्रिय सखी माला पिजालायते, तापो पीश्वसिते न दावतहन ज्वाला कला पायते, शापी तद्विरहेण अंतहरनी रूपायते हा कथम, कंदर्पो पिजमायते विरचयन सादूल विक्रीडितम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तन विनहित मैं बिहार मुदारम, सामनुते कृष तनुरति भारम, राधिका विरहे तव केशव माधव वामन भीष्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। विरह में शरीर दुबला हो जाता है,
राधा रानी का शरीर इतना दुबला हो गया कि हाथ का कंगन अपने आप निकल गया। पिया जी के जो गहना था वो हार गया सब कृष्ण के पिया। सरसम शरणम विमलय जपंकम पश्यति विषमिव वपुषि शशंकम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विरह में क्या हुआ कि सुंदर सुंदर मलयागिरी का जो मंद सुगंध हवा चल रहा है विष जैसे लग रहा है, ताप को बढ़ाने लगे। दिश दिश कीर्ति सजल कर्ण जालम नयन नलिन मिव विगलित नालम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रिया जी का जो नेत्र कमल है, जैसे कमल के फूल पर पानी डालते हैं तो छिटिक मिटिक हो जाता है, वैसे प्रिया जी का नेत्र कमल प्यारे श्याम सुंदर के विरह से एक एक बूंद करके आंसू गिरने लगे। नयन विषयम पिकिशलय तल्पम कलयति विहित उतास विकल्पम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस समय सखी मंजरियां प्रिया जी को खूब सुंदर कमल के सेज पर सैया बना करके पधराई तो सैया लगा कि आग लग गया, आग जैसे जलने लगा। प्रिया जी उस सैया को देख करके अपने हाथ पर अपने मुख को रख त्यजति न पाण्डितले न कपोलम बाल शशिनमेव शायमलोलम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विरह में ऐसा होता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि शरीर छूट गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा कई बार हो, गंभीरा से दौड़ करके गए जगन्नाथ जी के गेट पर, गैया थी कृष्ण के विरह में, सोचे कि गैया चरा रहे हैं वहां तो प्यारे श्याम सुंदर मिले नहीं और बेहोश कर दिए, पर कछुआ कृति हो गए और सब भक्त लोग आए तो सांस नहीं चल रहा। अब सब भक्त लोग सांस नहीं चल रहा है तो डर करके कीर्तन चालू कर, उसी तरह प्रिया जी की भी यह स्थिति हो। सब सखियां देखी कि अब सांस की गति रुक गई, डॉक्टर आया हाथ नाली पकड़ा तो ये चलना धड़कन बंद, तब क्या करने लगी। हरि रीति जब तिश कामं विरह वेत मरणे वनि कामं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको साहित्य में दसवीं दशा कहा, प्रेम की दसवीं दशा। मैंने उस समय सखी समझ गई कि प्रिया जी कृष्ण के विरह में अपने शरीर को त्यागना चाहते, तो उसी समय सब सखियां बैठ करके कीर्तन करने लगे। हरि रीति जपति सकामं विरह विहित मरणे वनि कामं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री जयदेव भनित मिति गीतम सुखयत केशव पदमुपनीतम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुखयत केशव पदमुपनीतम,
समस्त वैष्णवों को आनंद देने वाला ये श्री गीत गोविंद सकल जगत में जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पावन श्री हरि नाम महाराज की, कुमति सुधारिणी श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगपालक श्री हरिनाम महाराज की, असरण शरण श्री हरिनाम महाराज की, दुख भंजन श्री हरिनाम महाराज की, श्री गीत गोविंद की, श्री श्री पद्मावती जी की, श्री जयदेव पंडित की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।